हेलो जना, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देख रहे हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, इस समय हम हैं नोएडा के कुलेसरा में, और जैसा कि आपको पता है, मैं आपको इस चैनल पे नौकरी के बारे में बताता हूं, नए नए नौकरी के बारे में बताता हूं। जो मेरे भाई, जो मेरी बहन परेशान है, उनको नौकरी नहीं मिल पाती, तो मैं उनकी मदद करता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन सुबह से मेरे पास ऐसे कुछ कॉमेंट्स आई हैं जिन पर वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हो गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप गाजियाबाद या नई दिल्ली से आना चाहते हैं तो नोएडा कैसे आएंगे। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। मेरे पास सुबह कमेंट्स आई और मैंने कहा क्यों ना आप लोग को इस टॉपिक पे वीडियो बना के बता दिया जाए, जिससे कि लोगों की हेल्प हो पाए। दोस्तों, अगर आप नोएडा आना चाहते हो और गाजियाबाद से आ रहे हो, तो अगर गाजियाबाद से आ रहे हो तो गाजियाबाद से ऑटो लेना, शेयरिड ऑटो 70 से 80 रुपये लेगा। तो शेयरिड ऑटो में बैठ के जिसमें 2-4-5 लोग बैठे हो, है ना, सस्ता पड़ेगा। रिजर्व करके कभी नहीं आना, रिजर्व करके अगर आप आओगे तो 400 से 500 रुपये लेंगे आपको। तो ये क्या है कि ये शहरी टाटो करो, 70 से 80 रुपये लेंगे आपसे, तो आपको यहाँ पहुँचाएँगे सूरजपुर। जब आप सूरजपुर आ जाएंगे तो समझ लो आप नोएडा फेज़ टू होजरी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 83, 82, 85 आ चुके हो, क्योंकि वहाँ से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी होती है। सूरजपुर से 10 रुपये 15 रुपये लेते हैं इंडस्ट्रियल एरिया अपना होजरी कॉम्प्लेक्स। वैसे सूरजपुर भी एक इंडस्ट्रियल एरिया ही है। आप जब हो के आओगे ना तो कासना साइड से होके आओगे, कासना हो गया, परिचौक हो गया, हो के फिर सूरजपुर आओगे। तो अब हम बात करते हैं, जब सूरजपुर आ जाएंगे तो उसके बाद आप 15 से 20 रुपये आप देंगे तो आपको उस फेज़ टू पहुँचा देगा सेक्टर 83, 85। तो ये हो गया गाजियाबाद का। अगर अब हम बात करें कि अगर हमें दिल्ली से आना है तो हम कैसे आएँगे। दोस्तों, दिल्ली से आने के लिए मैं आपको बता दूँ कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगर आप पहुँचे हो और नहीं आ पा रहे हो, तो ऐसे में क्या करना है, आपको मेट्रो से आना है, ठीक है। मेट्रो से आना है बोटैनिकल गार्डन या सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, या फिर आपको सेक्टर 18 सेक्टर 15-16 कहीं भी उतर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन। तो जब यहाँ पे उतरोगे ना आप, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, जब वहाँ उतरोगे बोटैनिकल गार्डन, तो वहाँ से यहाँ से फेज़ टू नोएडा के लिए 25 से 30 रुपये लेते हैं। 30 रुपये मान लो आप, 30 रुपये लेते हैं, शेयरी ऑटो में बैठ के आप आराम से आ सकते हो। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं कि नौकरी को लेकर। दोस्तों देखो, जहाँ पे रिसेंटली जिस जगह पे करंट वैकेंसी चलती है, भर्ती चलती है, तो क्या होता है, मैं वहाँ पे लाइव आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों फेक नहीं, कोई भी चीज़ मैं फेक नहीं दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ किस तरीके से आपकी मदद कर पाऊँ। अगर मेरी वजह से जिन भाइयों को नौकरी लगी है ना, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अभी मैंने कुछ भाइयों से मैं मिल के आया, वहाँ संडे था, तो बोल रहे भैया आपकी वजह से मुझे विंग टॉन्ग कंपनी में नौकरी लग गई, मेरी एलेंटेक में लग गई, डिक्सन में लग गई। तो मैंने कहा भाई, मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी को नौकरी लगे, है ना। तो देखिए, अब बात करते हैं कि जैसे विंग टॉन्ग में अभी वैकेंसी नहीं है, तो जब वैकेंसी थे, हमने जो पहली वीडियो डाली थी वो तकरीबन 10 दिन हो गए, तो 10 दिन से लगातार वैकेंसी चल ही रही है, तो कंपनी तो लड़कों को ले रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि पूरी हमेशा 365 दिन चलता रहता है, ऐसा नहीं है। अभी क्या है, उसमें बंद हो चुकी है। तो जो लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सरार भाई आप जो, अब तो इसमें बंद हो गया, हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई जैसे कि मैं आपको दोस्तों हर वीडियो में बताता हूँ, नोएडा में नौकरी की कमी नहीं है, बल्कि लोगों की कमी है। इतनी फैक्ट्रियाँ हैं ना, इतनी कंपनी है कि मैं क्या बताऊँ। तो जैसे कि मान लीजिए, अगर विंग टॉन्ग में नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि विंग टॉन्ग ही कंपनी है नोएडा में, और कोई कंपनी है ही नहीं। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इतनी कंपनियां हैं ना कि हम करते करते थक जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि यार इस कंपनी में करें कि उस कंपनी में, हर कंपनी वैकेंसी चलती रहती है ना। तो आप लोग ये मत सोचो कि अगर पार्टिकुलर मैं एक वीडियो पर एक टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए एलेंटेक पर बनाया, और मान लीजिए एलेंटेक में भर्ती नहीं चली, तो क्या आप बेरोज़गार हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी वीडियो आप देखा करें, हर दिन मैं हर रोज़ 3 से 4 वीडियो डालता हूँ, और आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ कहाँ पे वैकेंसी है, कहाँ पे नौकरी है। जो लोग नोएडा में आए हैं, नए हैं, उनको रूम को लेके भी बहुत दिक्कत होती है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा, देख लो आप, ये देख पा रहे होंगे सभी बाहरी लोग हैं यहाँ पर। अभी मैं 4 मंजिले छत के ऊपर हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर सभी लोग बाहरी हैं और बिल्डिंगें हैं, है ना। वैसे मैं थोड़ा सा बैक कैमरे से आपको दिखा दूंगा। और अब बात करते हैं नौकरी को लेके, है ना, नौकरी को, जो नौकरी के लिए, जैसे मैं बता दूं आपको, अभी आज संडे है, कल एलजीन इलेक्ट्रॉनिक में भी चलेगी और लग्जर में भी चलेगी, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। NSCZ में भी नौकरी चलेगी, कल वैकेंसी रहेगा वहाँ पर, भर्ती लेंगे लोगों का, क्योंकि मैं सैटरडे को गया था तो वहाँ पर लोगों से बातचीत किया, तो पता चला कॉन्ट्रैक्टर जो है वहाँ के और कंपनी वाले हैं वो जो है मंडे से लेंगे। क्योंकि देखो, सैटरडे क्या होता है ना, सैटरडे ज़्यादातर लोग स्टाफ में आते नहीं है, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, लोग कहते हैं चलो यार मंडे को वैकेंसी चलाते हैं, मंडे को ही भर्ती लेते हैं लोगों की। तो जिनके मन में ये है कि यार अब इसरार भाई ने वीडियो बना के बता दिया नौकरी के बारे में,
अब एक कंपनी के बारे में बताया उन्होंने, हम कंपनी में गए और कंपनी में भर्ती हमारी नहीं हुई तो हम बेरोज़गार हैं, अब हमें नौकरी मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इतनी कंपनियाँ हैं ना कि हम काम करते करते नौकरी करते करते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नौकरी नहीं ख़त्म होगी, है ना, और ना ही वैकेंसी ख़त्म होगी। और अगर हम बात करें रूम की कि रूम हम कहाँ लें, तो दोस्तों यहाँ पे कुलेसरा के अंदर हम बताएं, जो हमारे इंडस्ट्रियल के आसपास में जो गांव है, जैसे कि मान लीजिए हल्दोनी हो गया, कुलेसरा हो गया, हबीबपुर हो गया, सुपियाना हो गया, सूरजपुर हो गया, और यहाँ के आसपास आपको बहुत ही रूम मिल जाएंगे दोस्तों, रूम की कमियाँ नहीं है। रेट की बात करें 2,2500 रुपये में, 3,000 लास्ट, 3,000 में आपको सेपरेट रूम, अच्छा खासा रूम मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे ये भाई लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा यार एक सेपरेट वीडियो बना के आप सभी को बता दूँ और इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। पहला इन्फॉर्मेशन हमारा यही था कि नोएडा कैसे आया नई दिल्ली और गाजियाबाद से, दूसरा इन्फॉर्मेशन नौकरी के बारे में, तीसरा रूम के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बैक कैमरे दिखा देना चाहता हूँ, तो दोस्तों अभी हम 5 मंजिला छत के ऊपर हैं और मैं आपको दिखा दूँ इंडस्ट्रियल एरिया, कंपनी के हम बीचों बीच हैं, और ये जो रहा चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं। आपको कुछ कंपनियाँ भी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ज़्यादातर आपको रूम दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये देखो आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो मेरे भाई। तो इस तरीके से यहाँ पे लोगों ने क्या किया, जो यहाँ के लोकल बंदे हैं उन्होंने क्या है कि बिल्डिंगें बना दी हैं और वहाँ पे रूम के लिए बिल्डिंगें बना दी है, और लोग जो बाहर से आते हैं ना वो लोग यहीं पर रहते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, वो लोग यहीं पर रहते हैं 2,2500 रुपये में, खूब अच्छा खासा रूम आपको मिल जाता है ना। अभी मैं आपको दिखा दूँ, जैसा कि ये रूम, ये भी, ये सब भी रूम है ना, ये देखो। अभी मैं आया हूँ, कहीं मैंने आपको बताया ना कि मैं संडे था, तो जिन भाइयों को नौकरी मिली है उनसे मैं मिलने आया था, तो अभी वहीं छत पे ही हूँ मैं। तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो शूट कर लिया जाए आप लोग के लिए और आप लोग की मदद कर लिया जाए। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप लोग को परेशानी हो, है ना, इससे मेरा तो कोई प्रॉफिट नहीं है ना भाई, ठीक है। ये देखो आप, थोड़ा सा पास लेके आपको चल के दिखाते हैं और चीज़ें जो हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे चारों तरफ आपको बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देंगे चारों तरफ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और आपको बता देता हूँ एलजीन में मंडे को चलेगा वैकेंसी, लग्जर में चलेगी, और एनएससीजेड में कंपनी का नाम मैं भूल गया, वैसे मैं जाके कल वीडियो बनाऊँ, कल कई जगह पर वैकेंसी चलेगी, भर्तियाँ चलेंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग देखना, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नए वीडियो के तब तक के लिए होगा।